सड़कों पर लेट झुग्गी झोपड़ी में रहकर काटे दिन, लेकिन आज कर रही है माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी। ऐसी मेहनती लड़की के लिए एक लाइक तो बनता है। कम उम्र में हर किसी की आर्थिक परिस्थितियां समान नहीं होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बेहद कम उम्र में इतना संघर्ष किया है कि हम सोच भी नहीं सकते। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बचपन में ही करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, लेकिन जिनकी आर्थिक परिस्थितियां खराब होती हैं, यदि वो भी कड़ी मेहनत और लगन के साथ काम करें तो खुदा भी उनकी हसरत को मंजूर करने से मना नहीं कर सकता। मेहनत के बल पर उनके सारे सपने साकार हो सकते हैं, और इस बात को सच कर दिखाया है कभी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले शाहीना अत्तर वाला ने। शाहीना की कहानी काफी ज्यादा प्रेरणादायक है, क्योंकि एक जमाना था जब शाहीना झुग्गी झोपड़ी में निवास किया करती थी, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज वर्तमान में शाहीना माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रही हैं। आज वो मुंबई के एक बड़े से अपार्टमेंट में रहती हैं। शाहीना ने अपनी कहानी सोशल मीडिया पर तब शेयर की जब उन्होंने नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज में अपना पुराना घर देखा। उन्होंने नेटफ्लिक्स पर बैड बॉय बिलियनियर्स इंडिया में अपनी झुग्गी झोपड़ी की तस्वीरें देखी, तब उन्होंने अपनी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि इस तस्वीर में जो घर है उन्हीं में से एक घर मेरा भी हुआ करता था। उस समय वो बेहतर टॉयलेट की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। मेरा परिवार उत्तर प्रदेश से मुंबई आया था और मेरे पिता एक रेडी लगाते थे। हमारी आर्थिक स्थिति काफी खराब थी और हम झुग्गी में रहते थे। ये झुग्गी बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास थी। इस दौरान हमारे साथ खूब भेदभाव और छेड़छाड़ हुई। 15 साल की उम्र तक मैंने सताए हुए लोगों की तरह जिंदगी जी, लेकिन बाद में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और कंप्यूटर कोर्सेस करने का निश्चय लिया। मेरे पिता के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने मुझे कंप्यूटर कोर्स कर्ज लेकर करवाया था। इसमें हम दोपहर का खाना भी नहीं खाते थे और पैसे बचाने के लिए क्लास से घर तक पैदल चलकर आते थे। स्थितियां काफी खराब थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो माइक्रोसॉफ्ट में प्रोडक्ट डिजाइन मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं और उन्होंने अपनी सपनों की दुनिया बना ली है। तो इस लड़की की मेहनत के लिए आपकी क्या राय है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और हमारे इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।